वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार बेस्ड 25 एवरग्रीन जीके जो कि बिहार के हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी जितने भी एग्जाम हैं चाहे बिहार एस एस सी इंटरमेंस हो या थर्ड बी एस एस सी सी जी एल हो, बी पी एस सी हो, बिहार एस आई हो या बिहार ई एस आई हो, और भी जितने बिहार बेस्ड एग्जाम हैं उनके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर आपने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है कौन? दक्षिण कौशल, मत्स्य जनपद, वज्जी संघ या खंड प्रस्थ? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वज्जी संघ वैशाली, जो कि 600 ईसा पूर्व में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, विश्व की सबसे प्राचीन गणतंत्र। संख्या दो, बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? सवाना जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु, मानसूनी जलवायु या भूमध्य रेखीय जलवायु? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मानसूनी जलवायु। प्रश्न नंबर तीन, बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? ऑप्शन देख लीजिए, 4.575 किलोमीटर, 5.575 किलोमीटर, 6.545 किलोमीटर या 3.365 किलोमीटर। तो जो बिहार में गांधी सेतु है इसकी जो लंबाई है करीब 5.5 किलोमीटर है, यानी कि इसकी उत्तर जो हो जाएगा सही हो जाएगा 5.575 किलोमीटर। बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? सबसे पहले प्रकाशित होने वाला अमृत बजाज, आज, आर्यवर्त या द इंडियन नेशन? तो इस आधार पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमृत बजाज पत्रिका। वो ये उस समय की बात की जा रही है जब बिहार बंगाल एक थे और अमृत बजाज पत्रिका पहली बार प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर पाँच, बिहार में तीन खनिज किस जिले से निकलता है? गया, भागलपुर, दरभंगा या पटना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गया। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कमला, सरयू, गंगा या फल्गु? तो बहुत फेमस और इजी क्वेश्चन है, फल्गु नदी पर यह अवस्थित है। सात, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ? गंगा, यमुना, सोन या गंडक पर? बहुत ही फेमस और इजी क्वेश्चन, गंगा नदी पर अवस्थित है महात्मा गांधी सेतु। नंबर आठ, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है ना, अब देखिए ऑप्शन, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, बिहार पत्रिका, बिहार बंधु या इसमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार बंधु। ये प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी और ये 1874 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था बिहार से। क्वेश्चन नंबर नौ, बिहार संगीत नाटक अकेडमी द्वारा किस वर्ष को भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए, 1990, 1985, 2001 और 1995। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, 1995। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने है, देख लीजिए ए बी सी डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था और मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, और इसी समय प्रथम बौद्ध संगति भी हुई थी। प्रश्न देखते हैं, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाले देश का पहला राज्य है? गुजरात, राजस्थान, बिहार या झारखंड? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के लोगों के जीविका की मुख्य साधन क्या है? कुटीर उद्योग, खनिज पदार्थ, कृषि या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के लोगों का मुख्य साधन कृषि है जीविका का। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? बौद्ध प्रदेश, मगध प्रदेश, गुप्त साम्राज्य, इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मगध प्रदेश के रूप में इनको जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा रेल पुल अब्दुल बारी पुल बिहार के किस नदी पर है? गंगा नदी, गंडक नदी, सोन नदी या कोसी नदी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोन नदी पर, हालांकि वर्तमान में अब इसकी परिभाषा चेंज हो गई है, नदी पर का सबसे बड़ा रेल पुल। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय जिसको इग्नू बोला जाता है कहाँ पर है? मधेपुरा, भागलपुर, पटना या आरा? तो पटना में इसका है क्षेत्रीय कार्यालय इग्नू का। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? 1959, 1962, 1961 या 1960? तो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1961 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? सोन, सरयू, यमुना या गंडक? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यह गंडक नदी पर बसा हुआ है हाजीपुर शहर। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? दरभंगा, पटना, भागलपुर या किशनगंज? तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं ए, फुलवारी शरीफ, बी, मुजफ्फरपुर, सी, गया या उपरोक्त सभी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर और गया तीनों जगह जो है ये सूती वस्त्र उद्योग हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी किलोमीटर है? 453, 280, 392 या 324? आपको पता है कि NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा है, तो
इसका जो हिस्सा जो बिहार में है कुल उसकी लंबाई 392 किलोमीटर है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, शेर खां का वास्तविक नाम क्या था? शेर खां जो बाद में शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुई, तो इनका बचपन का नाम क्या था? सलीम, फरीद, मोहम्मद या अकबर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फरीद। क्वेश्चन नंबर 22, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दरभंगा, आरा, पटना या मधेपुरा? तो भूपेंद्र नारायण मंडल को शॉर्ट फॉर्म में BN मंडल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधेपुरा, ये मधेपुरा में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत कहाँ पर विश्व के प्रथम आर्यभट्ट का जन्म हुआ था? भारत में कहाँ पर विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था? वर्तमान में उस राज्य को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास है दिल्ली, राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न के अनुसार और जो ऑप्शन है उसके आधार पर इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? यह विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा में है। ऑप्शन देख लीजिए 1980, 1965, 1970 या 1975, तो इसका हो जाएगा 1970। 25, प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च जिसे पादरी की हवेली कहा जाता है का निर्माण कब हुआ था और यह पटना में अवस्थित है? ऑप्शन देखिए 1751, 1723 या 1756 या 1760। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1751 में इसका निर्माण हुआ था। इस प्रकार आज आपने बिहार से रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण GK के प्रश्न को देखा है। यह आगामी बिहार बेस्ड सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।